ओके, सो टुडेज टॉपिक इज अबाउट ह्यूमन पॉपुलेशन एंड एनवायरनमेंट। नॉलेज गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सो यू कैन सी फ्रॉम द इमेज देर इज अ बर्ड। ऑन द बर्ड टू मच ऑफ लोड दैट बर्ड इज कैरिंग। एक चिड़िया है और उस पे बहुत सारा लोड है, बहुत सारे लोग हैं जो कि उसके ऊपर डिपेंडेंट है। सो दैट दैट बर्ड इज द सिंबल ऑफ रिसोर्सेस एंड द बैग्स विच आर अटैच टू इट इज द लोड ऑफ पॉपुलेशन। सो आई थिंक दिस इमेज इज वेरी क्लियर टू मेक यू पीपल अंडरस्टैंड हाउ हाउ द रिसोर्सेस इज ओवर यूटिलाइज और हाउ वॉट इज द रोल ऑफ पॉपुलेशन और ओवर पॉपुलेशन ऑन द रिसोर्सेस, है ना। ये फोटो से इट इज वेरी क्लियर कि ओवर पॉपुलेशन का क्या रोल है रिसोर्सेस के ऊपर। सो सेवरल टाइम्स इन द क्लास वी हैव डिस्कस की पॉपुलेशन इज अ मेजर थ्रेट। पॉपुलेशन, ओवर पॉपुलेशन से बहुत सारा रिसोर्स बहुत रैपिड स्पीड से यूटिलाइज होता है, ओवर यूटिलाइज होता है और इम्प्रॉपर मैनेजमेंट रहता है बहुत ज्यादा पॉपुलेशन होने से। आर यू पीपल अवेयर दैट नाउ गवर्नमेंट इज कमिंग अप विद सम न्यू पॉलिसी दैट इज रिलेटेड टू पॉपुलेशन कंट्रोल, दैट इज टू चाइल्ड पॉलिसी, समथिंग लाइक दैट। सुना है हाँ किसी यस ने? सर यस सर ओके ओके, तो व्हाट डू यू थिंक, कि उससे पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाएगा? क्यों? हाँ सर नहीं होगा सर। जैसे कि सर हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कानून बना देने से जनसंख्या नियंत्रण हाँ डेफिनेटली, उसको होगी, फॉलो करने वाले भी लोग होने चाहिए तभी तो वो उसके लिए कंट्रोल, अगर क्योंकि जैसे कल हम लोग बात कर रहे थे बहुत सारे एनवायरनमेंट से रिलेटेड एक्ट है, और पेड़ को बचाने के लिए, नदी को बचाने के लिए और भी नेचुरल रिसोर्सेस को बचाने के लिए, बट हम देखते हैं कि बहुत इजीली अगर किसी को पेड़ काटना है तो दे विल गिव सम मनी इन पुलिस स्टेशन और आसानी से काट सकते हैं, है ना। और बड़े स्केल पे भी जहाँ पे डेवलपमेंट होता है, जैसे कि कोई एयरपोर्ट बनाना है या कोई इंडस्ट्री लगाना है, वहां पे भी सेम यही पॉलिसी है। इवन एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट जो करता है, दे से कि दिस प्रोजेक्ट इज नॉट फिजिबल थ्रू द एस्पेक्ट ऑफ थ्रू एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स, बट स्टिल जो लोग वो कंपनी डालना चाहते हैं, इंडस्ट्री डालना चाहते हैं, वो लोग थ्रू इम्प्रॉपर वे बहुत सारा पैसा दे के और बहुत सारा रूल्स रेगुलेशन को साइड में रख के दे मूव ऑन। सो रिसेंटली बहुत सारा ऐसा एग्जाम्पल देखने को मिल सकता है जिसमें जहाँ पे कि बहुत सारे रिसोर्सेस को बहुत सारा फॉरेस्ट एरिया में डिफॉरेस्टेशन करके नया इंडस्ट्री और नया कंपनी लोगों ने लगाया रिसेंटली, हम देख सकते हैं पिछले 1-2 सालों में भी। जबकि अभी के टाइम पे वी नो दैट कि हाउ पॉल्यूशन इज सब से लाइक अ बिग इशू, अ हॉट इशू, एंड वी आर फेसिंग सेवरल से लाइक सेवरल नेगेटिव इम्पैक्ट्स वी आर ऑब्जर्विंग, लाइक से लाइक चेंज इन रेनफॉल, देन मेनी अदर सच सिनेरियोस वी आर फेसिंग। सो स्टिल वी आर नॉट प्रॉपर अवेयर और स्टिल वी आर नॉट सो वी सी दैट कि स्टिल पीपल आर नॉट अवेयर एंड इवन नोइंगली ऑल्सो वी आर नॉट एबल टू से लाइक एक्सेप्ट द रियालिटी। सो बहुत बार ऐसा होता है कि गवर्नमेंट कम अप विद सेवरल पॉलिसीज बट स्टिल पीपल आर नॉट विलिंग टू से लाइक टू एक्सेप्ट इट। सो दैट इज व्हाई देयर इज सच काइंड ऑफ सिनेरियो ऑकर्स। स्टिल वी कैन सी ग्राउंड वाटर से बहुत ज्यादा पंपिंग होता है, जितना रिचार्ज कैपेसिटी है उससे ज्यादा हम वाटर पंप करते हैं। बहुत सारे फॉरेस्ट एरिया में डिफॉरेस्टेशन एक्टिविटीज अभी भी चल रही है, बहुत सारे पेड़ों की कटाई होती है। देन हम अपनी नदियों को देखें तो ऑलमोस्ट
सारे ही नदी में पोल्यूशन है, और इतने सालों में इवन लाइक रिसेंट गवर्नमेंट दे आर दे केम अप विद सम काइंड ऑफ पॉलिसीज एंड प्रोजेक्ट टू क्लीन ऑल द रिवर्स, बट स्टिल इट इज नॉट सेटिस्फैक्टरी, रिजल्ट कैन नॉट बी सीन अंटिल नाउ, लेट अस सी व्हाट कम्स इन फ्यूचर. सो पॉपुलेशन इज ऑल द इनहेबिटेंट्स ऑफ अ पर्टिकुलर टाउन एरिया और कंट्री. द ह्यूमन पॉपुलेशन इज द टोटल नंबर ऑफ लिविंग ह्यूमन ऑन द अर्थ. सो वी कैन सी फ्रॉम दिस टेबल, दिस इज फॉर द प्रोजेक्टेड फॉर ईयर 2050. 2050 में इट इज प्रोजेक्टेड कि इन सारे देशों में लगभग इतनी पॉपुलेशन रहेगी, इतने मिलियन पॉपुलेशन रहेगी. सो यू कैन अंडरस्टैंड कि अगर इतना ज्यादा पॉपुलेशन है, लाइक अगर हम अभी का सिचुएशन देखें तो हम अगर कहीं पे भी जाते हैं, जैसा कि बैंक, रेलवे स्टेशन, हॉस्पिटल, तुम्हें लाइन में लगना ही लगना है. बिना लाइन में लगे यू कांट गेट द थिंग्स डन. सो व्हाई इट इज हैपनिंग, दो रीजन है. एक तो सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, और दूसरा क्या है कि पॉपुलेशन ज्यादा है ना. ऐसा कोई रेलवे स्टेशन देखे हो जहां भीड़ नहीं लगती हो? तुम्हारा जयपुर से बिहार जाने वाली ट्रेन में टिकट नहीं मिलता है नॉर्मल टाइम में, इट इज वेरी डिफिकल्ट. और त्योहार के टाइम में इट इज रियली वेरी डिफिकल्ट टू गेट कंफर्म टिकट. सो व्हाई व्हाई दिस ऑल थिंग्स आर हैपनिंग, दो रीजन है. एक तो सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर से, लाइक सफिशिएंट ट्रेन्स नहीं है, और दूसरा क्या है कि ओवर पॉपुलेशन है या पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है. सो दिस टू आर द इम्पोर्टेंट फैक्टर्स विच आर प्लेइंग रोल इन क्रिएटिंग सच काइंड ऑफ सिचुएशंस. सो देर इज अ फॉर्मूला टू कैलकुलेट एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट. हम ये फॉर्मूला यूज करके एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट को कैलकुलेट कर सकते हैं, और एक जनरल एस्टिमेशन लगा सकते हैं कि हमारे सिटी में या हमारे देश में इतना एनुअल ग्रोथ रेट है, इतना परसेंट ग्रोथ रेट है. दिस इज अ सिंपल फॉर्मूला. और भी जो अगर स्पेसिफिक इससे रिलेटेड पढ़ाई करते हैं तो बहुत सारा एडिशनल मॉडल्स है, सॉफ्टवेयर है, जिसके थ्रू यूज करके हम एनालाइज कर सकते हैं. सो दिस सिचुएशन यू माइट हैव सीन, ऐसा सिचुएशन तुम सारे लोगों ने देखा होगा, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ. ऐसा कोई है जिसने नहीं देखा है ऐसा सिचुएशन? अपराजिता यस सर, ऐसा दिल्ली में सर था। कहाँ? दिल्ली में? यस ओके. तुम्हारा पटना में नहीं होता क्या? हाँ सर, पटना में भी है। हाँ ओके. राधा रानी? यस सर, देखा है बेटा ऐसा तुमने? मेरे घर तो नहीं होता है। अरे तुम्हारे घर रेलवे स्टेशन पे है क्या? ये तो फोटो तो रेलवे स्टेशन की है. चलो कोई नहीं, नहीं देखा है तो यू विल सी इन फ्यूचर. सो नेक्स्ट इज फ्यू इम्पोर्टेंट टर्म्स और फ्यू इम्पोर्टेंट से लाइक थिंग्स आर देयर. लाइक ओनली 15% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इन द डेवलप्ड वर्ल्ड इज अर्निंग 79% ऑफ द टोटल इनकम. सो यू कैन सी दैट कि द इनकम ऑफ द पीपल इज नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, दैट इज अनइवन डिस्ट्रीब्यूटेड. देन करंट डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज दैट एसेंशियली लीड टू शॉर्ट टर्म गेन्स हैव लीड टू अ ब्रेक डाउन ऑफ अवर अर्थ एबिलिटी टू रिप्लेनिश द रिसोर्सेज ऑन विच वी डिपेंड. सो सेवरल टाइम्स आई से इन द क्लास की वी आर ऑलमोस्ट ऑल द रिसोर्सेज वी आर ओवर एक्सप्लॉइटिंग. हम लोग जरूरत से ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं सारे रिसोर्सेज को जो भी अवेलेबल है. सो दिस ऑल थिंग्स यू गो थ्रू इट. देर आर सेवरल कॉज ऑफ पॉल्यूशन पॉपुलेशन ग्रोथ, जैसा कि लैक ऑफ बर्थ कंट्रोल. से लाइक लोग अवेयर नहीं है, विमेन्स एजुकेटेड नहीं है या पुअरली एजुकेटेड है, सो दे डोंट नो द प्रॉपर मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल एज वेल एज से लाइक एडवांटेजेस ऑफ
बर्थ कंट्रोल। लेकिन क्या है कि अभी बहुत सारे रूरल एरिया में लोग ऐसे हैं कि अगर ज्यादा बच्चे होते हैं तो वो खुश होते हैं कि चलो हमारा वोट बढ़ रहा है, तो हमारा गांव में वैल्यू ज्यादा रहेगा क्योंकि हमारे घर से वोट बहुत ज्यादा है। ऐसा देखा है किसी ने, है बिल्कुल सर, ना? सो एक तो ये मेंटालिटी है। दूसरा क्या है कि गवर्नमेंट का कुछ स्कीम है जो कि डिलीवरी के टाइम, प्रेगनेंसी के टाइम पीपल कैन अवेल इट। सो उसके लिए भी लोग बहुत सारे बच्चे पैदा करते हैं कि हमें सरकार से पैसा मिलेगा, है ना? देन फ्यू रिलीजियस बिलीफ इज देयर। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि ये सोचते हैं कि नहीं, ये हमें बर्थ कंट्रोल नहीं करना चाहिए, इसको जैसा चल रहा है वैसे चलने देना चाहिए। देन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स है, जैसा मैं बताया कि गवर्नमेंट का कुछ स्कीम है जैसे जननी सुरक्षा योजना, और भी बहुत सारा स्कीम होगा, ज्यादा तो नहीं पता है मेरे को। सो वो सारा स्कीम इसलिए है ताकि रूरल वीमेन या पुअर वीमेन प्रेगनेंसी के टाइम में उनको ज्यादा फूड रिक्वायरमेंट रहता है, ज्यादा न्यूट्रिशन का रिक्वायरमेंट रहता है। तो गवर्नमेंट ने ये सारी पॉलिसी बहुत पहले से चला रखी है ताकि जो भी लेडीज प्रेग्नेंट है उनको सफिशियंट खाना मिले, सफिशियंट न्यूट्रिएंट मिले, और भी बहुत सारी मेडिकल की सुविधा मिले। तो इन सारी चीजों के लिए गवर्नमेंट कुछ ना कुछ पैसे देती है, जबकि राजस्थान में शायद सबसे ज्यादा पैसा मिलता है। रोनिन सर, आपको पता है जननी सुरक्षा योजना के तहत कितना पैसा मिलता है राजस्थान में? ये जो राजस्थान में स्कीम है ना, जननी सुरक्षा योजना, उसमें कितना पैसा मिलता है? 5,000 मिलता है। हाँ हाँ चाइल्ड, हाँ मैंने सुना शायद 25,000 रुपये है यहाँ पे राजस्थान में सबसे ज्यादा है। 5,000 रुपये यूपी में मिलता है, बिहार का आई डोंट नो। सो दिस ऑल इंसेंटिव्स आर प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। ये कुछ सरकार दूसरे तरीके से सोच के देती है, बट पीपल यूटिलाइज इट इन डिफरेंट वे। ऐसा होते ही आपको 5,000 का वो मिलता है, फिर टोटल हाँ 25,000 राजस्थान में ऐसे ही मिलता कुछ है। है, हाँ 50, 25,000 ओके। हाँ। सो नेक्स्ट इज, नेक्स्ट फ्यू मोर पॉइंट्स आर देयर। फर्टिलिटी ट्रीटमेंट, जो कि अभी बहुत सारा मॉडर्न ट्रीटमेंट हो गया है जिसके थ्रू अभी बहुत सारा नंबर ऑफ से लाइक पॉपुलेशन इंक्रीज करने में इन सारे मॉडर्न फैसिलिटीज का भी बहुत ही योगदान है। देन मोर्टेलिटी रेट कम हो गया है, बहुत सारी दवाइयां हैं, बहुत सारे साइंटिफिक इनोवेशन है, हॉस्पिटल में सुविधाएं बढ़ी है, तो उससे मोर्टेलिटी रेट कम हो गया है। फूड प्रोडक्शन बढ़ने से भी लोगों को खाना मिलता है, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास सफिशियंट खाना है, तो डेथ रेट कम होता है, माल न्यूट्रिशन से कम लोग मरते हैं, तो ये सारा भी कंट्रीब्यूट करता है। देन पब्लिक हेल्थ, डिजीज, एजुकेशन लेवल, माइग्रेशन, दिस ऑल ऑल्सो प्लेस एन इम्पोर्टेंट रोल ऑन पॉपुलेशन ग्रोथ। देन इफेक्ट्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, वी नो दैट कि वी हैव सीन कि बहुत सारे कॉमन प्लेस पे या पब्लिक प्लेस पे बहुत सारा भीड़ रहता है, जैसा कि बैंक में, हॉस्पिटल में, रेलवे स्टेशन पे। तो ये सारा इफेक्ट है। जितना ज्यादा पॉपुलेशन रहेगा उतना ज्यादा फूड कंजम्पशन बढ़ेगा, वाटर कंजम्पशन बढ़ेगा, और रिसोर्स के ऊपर लोड बढ़ेगा धीरे धीरे। इन सारी चीजों का एट द एंड देयर विल बी नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन लॉन्ग टर्म एंड ऑन लार्ज स्केल। सो इसको कम करने के लिए बेसिक ट्रेनिंग और मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर्स की जरूरत है, जो कि अभी भी आंगनबाड़ी में जो लोग काम करते हैं। सो दिस ऑल दे ऑल प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम्स। कुछ और स्कीम्स है जैसा कि विलेज हेल्थ गाइड्स स्कीम्स, रूरल हेल्थ ट्रेनिंग सेंटर, देन फैमिली वेलफेयर ट्रेनिंग एंड रिसोर्स सेंटर मुंबई, जो कि काम करते हैं फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम्स के अंतर्गत में। देन नेक्स्ट वन इज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। सो दैट इज द एन एनॉर्मस ग्रोथ ऑफ ह्यूमन बींग्स, दैट इज कॉल्ड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। इसका बहुत सारा नेगेटिव इफेक्ट है एनवायरनमेंट के ऊपर। और सिंपल ये है कि अगर पॉपुलेशन बढ़ेगा तो हमारा रिसोर्स कंजम्पशन बढ़ेगा। रिसोर्स कंजम्पशन बढ़ने से क्या है कि सारे जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेस है उसका हम ओवर यूटिलाइज करते जाएंगे, और वो धीरे धीरे वो रिसोर्स डिप्लीट भी होता जाएगा, प्लस
डिग्रेड भी होता जाएगा। तो दिस ऑल थिंग्स आर दिस ऑल थिंग्स वी डिस्कस अंदर द टॉपिक दैट इज ह्यूमन पॉपुलेशन एंड हाउ इट इज रिलेटेड टू एनवायरमेंट। सो आज के लिए इतना ही है, अगर कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। सर मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था कल, बहुत चौंकाने वाला था सर वो। क्या पढ़ लिया है सर? एक छपा था जर्नल ग्लोबल चेंज बायोलॉजी के, एक आर्टिकल है उसमें छपा था कि हर एक साल, यानी कि जैसे कि कार्बन उत्सर्जन की बात होती है तो हम सोचते हैं बड़े बड़े इंडस्ट्रीज, व्हीकल्स, इसके बारे में हम सोचते हैं कि इसी से सबसे ज्यादा कार्बन उत्सर्जन होता है। लेकिन मैंने उसमें पढ़ा था कि हर एक साल 10 लाख कारों के बराबर जंगली सूअर जो है कार्बन उत्सर्जन करते हैं, हाँ यानी कि हर एक साल 49 लाख टन, 49 लाख टन वो कार्बन उत्सर्जन करते हैं सिर्फ वही लोग। सालाना। हाँ वही लोग। और ये सर अरे क्वींसलैंड, क्वींसलैंड एक देश है, वहाँ के विश्वविद्यालय में ये हुआ था सर रिसर्च। हाँ हाँ हुआ होगा, क्वींसलैंड। हुआ होगा। और ये जमीन भी सर ये बर्बाद करते हैं, यानी कि हर एक उसमें लिखा था सर हर एक साल वो 36,000 से लेकर 1.24 वर्ग किलोमीटर जो है जमीन वो बर्बाद करते हैं। हाँ उनका तो खाने का तरीका वही है ना, मिट्टी खोद के जो स्टेम वगैरह रहता है वही सब खाते हैं वो लोग। तो हो सकता है, लॉजिक तो सही है, उनका योगदान हो सकता है ज्यादा। वेजिटेशन को हार्म पहुंचाना मतलब कि से लाइक कार्बन कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा डेफिनेटली। ये तो अगर वेजिटेशन है तो CO2 कंसंट्रेशन थोड़ा कम होएगा या मिनिमाइज होएगा, बट अगर सर वेजिटेशन नहीं वो है तो वो तो बढ़ता जाएगा। तो उसमें हो लिखा था सकता है। सर, हो सकता सर नहीं, उसमें एक और लिखा था सर कि जैसे हम मिट्टी खोदते हैं ना, वो जहाँ भी रहते हैं मिट्टी खोदते रहे तो उससे भी कार्बन उत्सर्जन हो रहा था मिट्टी खोदने से। नहीं, मिट्टी खोदने से नहीं होगा, मिट्टी खोदने से CO2 जनरेशन नहीं होगा, ऐसा कोई लॉजिक तो नहीं है। हो सकता है कुछ हो भी, मेरे को ज्यादा पता तो नहीं है, बट सर मेरे को मैंने जहां आर्टिकल तक ग्रुप शेयर कर लगता रखा है, है मैं ठीक है, आपको बेहतर भेज ना, एक दूंगा बार सर। पढ़ लेंगे। हाँ ग्रुप में डाल देना, सारे लोग पढ़ लेंगे। जी सर। फिर ये हो सकता है कि वेजिटेशन को वो लोग लॉस करते हैं तो उससे नेगेटिव असर तो पड़ेगा, वो आई अग्री। बाकी वो डाल देना ग्रुप में, पढ़ लेंगे उसको, सीखो रिसर्च तुम वाला सारे लोग कौन विवेक से। नहीं अच्छा है, पांच ऐसा महान सब देश आर्टिकल पढ़ते रहना चाहिए। सर 5 महाद्वीपों को मिलाकर हुआ था, यानी 10,000 जो सिटी है उसमें ये रिसर्च वो किए थे लोग। हुआ होगा ठीक है। तो श्रुति, यस सर। तुम्हारे पास अच्छा इंटरनेट है?